सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज ये हमारी थर्ड क्लास है प्रीवियस पेपर की, जिसमें हम 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक निवेदन ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टेटस पे लगाएं तो बहुत हमारे लिए मोटिवेशन होगी एक। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए, ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है डियर, कि आप भी खुद इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का पहले प्रयास करें, ठीक है, ताकि आपको भी ये रहे कि आप किस लेवल पर हैं, आपको क्या ज़रूरत है इस टाइम पे करने की, ठीक है, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को रियलाइज़ कर पाओ, अच्छे चीज़ों को समझ पाओ कि आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस इज़ अ स्कूल, यू डैश स्मोक हेयर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको सिंपल से एक बात है कि स्कूल है, तो इसका मतलब स्मोकिंग करने के लिए प्रोहिबिशन है वहाँ पर, यानी कि मनाही है किसी काम को करने के लिए। तो हम वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? तो वहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है मस्ट नॉट, ठीक है, मस्टन्ट लिखा यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। तो हम मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, तो यानी कि वहाँ पर उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। सिंपल है, प्रोहिबिशन है, मनाही है इसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मस्ट नॉट, इसको शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं मस्टन्ट। क्वेश्चन नंबर 62, ध्यान से देखिएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फॉर द बिलो एक्टिव वॉइस सेंटेंस। हमें पैसिव बताना है। देखो, पैसिव के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। पैसिव में हमें एक सिंपल सी चीज़ देखनी क्या होती है, कि हमें जो भी वर्ब की फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है सेकंड, डिड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है आइडेंटिफाई, लेकिन हमें पता ये पास्ट है, तो हम इसको चेंज किस में करेंगे, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में ही चेंज करेंगे। किसकी फॉर्म रहेगी? बी की रहेगी, वॉज फॉर, और इसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। बस सिंपल सा हमें इतना ही देखना है कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किस में हुआ है। तो देखेंगे तो यू जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिफाई का ऑब्जेक्ट यू है, इसको सब्जेक्ट बना दें, और यू के साथ यूज होता है वर, ठीक है। इंटरोगेटिव है तो पहले आएगा वर यू आइडेंटिफाइड बाय हर, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है डियर, कि आपका ये जो सी है ये हर होगा, ये पैसिव में आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उस बेस पर बी और सी गलत हो जाते हैं। ए ऑप्शन है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, सेंटेंस है इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले वर्ब ली जाती है। अब आपको वॉइस में अच्छे से ये चीज़ें आपने सीख भी ली थी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अब इसमें हमें एक्टिव वॉइस बताना है। अब एक्टिव वॉइस है तो वापस रिवर्स कर लो आप, कि बी की फॉर्म जो है यहाँ पर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है, तो वापस आप लेके चलेंगे तो बीइंग कब यूज होता है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का हमें यूज़ करना है। तो यही ऑप्शन ढूंढ लो कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म कहाँ पर है, रीडेकोरेटिंग, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए हमारा, वेरी टैलेंटेड इंटीरियर डिजाइनर, ये सब्जेक्ट बन जाएगा वापस, इज, ठीक है, बीइंग को बन चेंज कर देंगे हम रीडेकोरेटिंग में, ठीक है, और माय रूम। तो ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अब बाकी ऑप्शन सीधे सीधे आपको क्लियर मिल जाएंगे कि क्यों गलत है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। बस तो पैसिव वॉइस का तो सीधा सा कंसेप्ट है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो बहुत डिफरेंट टाइप के होंगे, इसलिए एक्सरसाइज कंप्लीट करना सभी, ठीक है, और सभी से उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। टारगेट है
अगर आप कोऑपरेट करेंगे, आपका सहयोग रहेगा, तो हम रेगुलर वीडियो अपडेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपका सहयोग चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो कम से कम आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है? शेयर हो सके तो कर दीजिए, नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे तो ज़रूर लगा लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64, हमें यहाँ पर सेंटेंस ऑर्डर के हिसाब से सही सेंटेंस बताना है। तो सबसे पहले आता है सेंटेंस में सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे सी है, ठीक है, ये हो गया गलत। इसके बाद देखिए सी के बाद टोर सही है सभी ऑप्शन में, मोर सी सॉरी माई लेटर, नीटली, अब ये नीटली आएगा यहाँ पर, देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था एडवर्ब में, ठीक है, एडवर्ब में बताया था कि वर्ब जो आ जाए ट्रांजिटिव, तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। नीटली जो है ये एडवर्ब है, ये बाद में यूज होती है ऑब्जेक्ट के, इसके साथ यूज नहीं होगी, ये एक ऑर्डर आपको बताया था। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन में गलत हो जाता है, ठीक है, और डी भी गलत हो जाएगा, नीटली को बिल्कुल एंड में ले लिया, तो ऑप्शन पहला सही हो गया, सी टोर माई लेटर नीटली, इतना भी पता है तो क्वेश्चन बन गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए अब, इज इट ट्रू सी एक्चुअली डैश टी डैश कॉफी। अब ये सिंपल सी चीज़ है बहुत, कि सबसे पहली चीज़ तो यही कि सी जो है वो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगी तो प्रेफर्स होगी, ठीक है, सिंगुलर है तो प्रेफर्स होगी, दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। इसके बाद प्रेफर के साथ कंपैरेटिव में हम टू का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते, ये गलत हो गया, इसलिए तो ऑप्शन हमारा 65 का हो जाएगा ए। तो इज इट ट्रू सी एक्चुअली प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पेपर में आ चुका है इसी तरह का क्वेश्चन, प्रेफर्स के साथ प्री पोजिशन बहुत बार पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। If you dash for the movie, you dash your homework first. बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता है, If you dash for the movie, पहले तो वो ऑप्शन रिजेक्ट कर दे सीधे से जो गलत हैं, जैसे कि will be gone, ठीक है, अब ये तो be gone तो be के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में यूज होता है तो गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा यहाँ वुड नहीं हो सकता, यहाँ फ्यूचर वैसे भी यूज़ नहीं हो सकता, ये आपको पढ़ाया था कंडीशनल सेंटेंस में मैंने, कि जो हमारा इफ़ क्लॉज होता है, जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, उसमें कोई मॉडल्स यूज होता नहीं, तो विल यहाँ यूज होगा नहीं, शुड एक केसेज में आता है बस, ठीक है, बाकी कोई भी मॉडल्स कभी यूज नहीं होता यहाँ। अब इसके बाद बाकी ऑप्शन देखेंगे, इफ़ यू हैव गोन फॉर द मूवी, अगर तुम मूवी को जा चुके हो, कंप्लीट तो एक्शन हुआ ही नहीं ना, मूवी के लिए तो तब जाओगे जब तुम अपना होमवर्क पूरा कर दोगे, ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे को जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बाकी ऑप्शन रह गए हमारे पास दो, कौन सा ऑप्शन रह गया, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द मूवी यू विल फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, और इफ़ यू आर गोइंग फॉर द मूवी यू शुड फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ना हमारा, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, ये हमारा होता है हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज और ये होता है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज होता है तो इसका मतलब मेन क्लॉज बाद में होता है, लेकिन इस सिचुएशन में अलग कंसेप्ट ये है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द मूवी You should finish your homework first, ना कि you will finish. You will finish use करोगे तो इसका मतलब homework बाद में complete करोगे आप अगर movie को जा रहे हो तो, लेकिन you should finish use कर रहे हो तो तुम्हें पहले करने के लिए advice दी गई है, पहले करने का मतलब तो यहाँ पर first है लेकिन ये एक advice है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट बजल होंगे, उलझेंगे, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा भी आप माइंड से सोच के देखेंगे तो हमने ये पढ़ा है, एक एग्जांपल से मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास,
अब इस तरह सेंटेंसेस जब हमने पढ़े हैं तो हमें ये पता है कि पहले वर्क हार्ड होता है, बाद में पास होता है, जब हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं सेल विल वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये कि जो होमवर्क वाला काम है ये पहले कंप्लीट करना है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शुड फिनिश का यूज़ किया। ओके, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है एक्सरसाइजेज में। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, डी ट्रिपल एस बी और एच एस सी। मैं तो दोनों को पैरेलल मान के चलता हूँ क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के पेपर के क्वेश्चंस एच एस सी में भी आते हैं, डी ट्रिपल एस बी में तो आते हैं, लेवल इम्पोर्टेंट होता है, बाकी तो ये सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी दूसरे स्टेटों में भी सभी। ऐसा ना सोच के कि इंग्लिश का कोई एक लेवल होता है, नहीं, इंग्लिश सभी के लिए इक्वल है। यही क्वेश्चन आपका किसी भी पेपर में आ सकता है। दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट मेरे पढ़ने वाले हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, रेगुलर क्लासेस देखते हैं या जो बैच में देखते हैं, तो उनको भी मैं ये बात कहूँगा कि ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी माइंड में कि ये मेरा टेस्ट है कि नहीं है। इंग्लिश सबके लिए इक्वल है, ठीक है। आप प्रोवाइड करवाएंगे कोई भी पेपर तो मैं तो उसकी भी क्लासेस ले लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप अपने स्टेट के पेपर दे दिए क्योंकि इंग्लिश सभी के लिए इक्वल है। तो वी वेंट होम 4 times लास्ट मंथ। तो देखिए, वी वेंट होम, सबसे पहली बात तो हमें यही पता लगी कि यहाँ पर हम यूज करेंगे वी वेंट होम, ठीक है, ये यूज नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, ये देखो बिल्कुल 4 times ये हमने यूज कर दी इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और फिर हमने टाइम का यूज कर दिया, ठीक है। और टाइम का तो आपको पता ही है कि टाइम या तो एंड में यूज होता है या शुरू में यूज होता है, लेकिन शुरू में यूज हुआ सी में। जब सी में शुरू में यूज हुआ तो भाई ये 4 times गलत हो गई, ये एक्शन के लिए था, ये एक्शन के बाद में यूज करना था हमें, ठीक है, तो सी इसलिए गलत हो गया। तो पहला आंसर बन गया वी वेंट होम 4 times लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, वी शैल बी रिवर्टेड टू आवर प्रीलिमिनरी प्लान एज सून एज पॉसिबल। ये ग्रामेटिकल सेंटेंस हमें यहाँ पर देखना है जो सही है, ठीक है। तो वी शैल रिवर्ट, ये होगा, ये तो पेशी बन जाएगा बी यूज करके, तो वी शैल रिवर्ट, ठीक है। अच्छा, वी शैल रिवर्ट बैक, रिवर्ट के साथ बैक यूज नहीं होता क्योंकि रिवर्ट का मतलब ही तो वापिस लेना होता है, ठीक है। तो वी शैल रिवर्ट टू आवर प्रीलिमिनरी प्लान एज सून एज पॉसिबल, तो रिवर्ट के साथ बैक यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। रिकॉल है, रिटर्न है, रिवर्ट है, इनके साथ बैकवर्ड यूज ना करें, ध्यान रखें, क्योंकि उसका रिकमेंस यहाँ पर यही होता है दोबारा से। तो आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, थोड़ा सा गले में दिक्कत है मुझे, ठीक है, फिर भी चलो क्लासेस में कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। द पुलिस रिशॉर्टेड टू लाठी चार्ज बिकॉज द क्राउड आउटसाइड द थिएटर डैश मेसिव एंड रिबेलियस। तो यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले तो यही देखो कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट है यहाँ पर एक तो आउटसाइड द थिएटर, ये आउटसाइड तो प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है, सब्जेक्ट है क्राउड, ठीक है। अब इसके बाद देखो, बीन यूज नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, बीन बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। अच्छा, क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है। जब डिस्पर्स की बात हो, डिवीजन की बात हो, अलग अलग की बात हो, तब तो प्लूरल है, अदरवाइज ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज अलग अलग तो कर नहीं रहे, वो तो इकट्ठा ही है सभी, ठीक है, तो क्राउड इकट्ठा ही है, वो मैसिव है, रिबेलियस सब वो सारे इकट्ठे ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा वॉज। क्वेश्चन नंबर 70, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। अब ये दो कंसेप्ट हैं, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का, ठीक है। अब यहाँ पर द नंबर ऑफ का कंसेप्ट ये क्या है कि मैंने आपको बताया था कि द जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे से देख लेना, द जो है डेफिनेट नंबर को शो करता है इसलिए सिंगुलर होगा, तो द नंबर ऑफ पीपल के साथ वॉज 500 सही है। द नंबर ऑफ पीपल हेयर राइट नाउ हैज भी यहाँ पे द नंबर ऑफ के हिसाब से ये भी सही है। ए नंबर ऑफ प्लूरल है क्योंकि ये इनडेफिनिट है, तो
ए नंबर ऑफ पीपल वर, ये इसके हिसाब से ये भी ठीक है। ए नंबर ऑफ पीपल वॉच, ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये गलत हो गया तो आंसर हमें गलत वाला बताना है, तो आंसर यही होगा। ये ना सोचे कि मैंने कट कर दी, कट का मतलब मेरा था कि ये गलत लिखा हुआ, तो इनकरेक्ट हमें बताना है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब चीज़ें तो तभी अच्छे से क्लियर होंगी जब आपने पहले इसको अच्छे से किया हुआ होगा, ये तो मैं भी मान के चलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको कंसेप्ट चीज़ें कभी पढ़ी नहीं और एकदम से आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज देखने से इंग्लिश आ जाएगी, नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, रट लोगे कुछ क्वेश्चन आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस अकेला तब काम की होती है जब आपकी क्लैरिटी हो। ठीक है, कंसेप्ट ही नहीं आता तो फिर आपको प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ें रटी जाएंगी और रटी हुई चीज़ें भूल जाओगे एग्जाम में और फिर पछताओगे बाद में, कहोगे सर ये रह गया मेरा दो नंबर से, रह गया मेरा एक नंबर से। ये रोने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और पहले ये कहते हैं भाई अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से बैच वगैरह ज्वाइन करके अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, तब उनको दिक्कतें होती हैं, तो वो ये जो 200, 500, 700 रुपये बचाने के चक्कर में, ठीक है, ये चीज़ें ना करें, अच्छे से पहले कंसेप्ट क्लियर करें। अब आपको ये तो पता ही कि मेरा बैच इतना सस्ता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ 700 फीस रहती है। ठीक है, 700 फीस रहती है 3 से 4 मंथ की, तो कोई ज़्यादा कॉस्ट तो है नहीं बैच की। ठीक है, 2 बुक इंग्लिश की भी खरीद लोगे तो भी इतना खर्चा आ जाएगा आपका, और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं, नोट्स सारे दे रहे हैं आपको, अच्छी प्रैक्टिस दे रहे हैं, खूब मेहनत करवा रहे हैं, डेली क्लासेज होती है 3 से 4 महीने, और सिर्फ 700 फीस है, इतनी नॉर्मल फीस है। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहूँगा कि कुछ क्लासेज इसी चैनल पर देख लें आप और उस हिसाब से कंसेप्ट की कुछ क्लासेज देख के ज्वाइन कर लें। 9 0341 41999, ये 4 के बाद 1 और है। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या है। 71 क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट, आई वुड रैदर यू मीट मी एट माई ऑफिस। सबसे पहली बात तो कि वुड रैदर में 2 कंसेप्ट हैं, अगर वुड या रैदर के बाद अगर आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर यूज होता है सब्जेक्टिव मोड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये ऑप्शन सेकंड जो ऑप्शन है हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में अभी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट सही है? अच्छा जी, तो आई वुड रैदर यू डिडेंट, अब ये भी ठीक है, ये भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर दिस कन्वर्सेशन विद एनीबॉडी, ये भी सही है। आई वुड रैदर यू, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये गलत होगी, तो ये आंसर सही होगा। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये थर्ड इसी के साथ है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट कब यूज होता है वुड रैदर के साथ? तो आई वुड रैदर डाई देन बैग, ऐसे कुछ यूज होता है। जब आप रैदर के साथ डायरेक्ट फर्स्ट यूज करोगे ना वो फॉर्म, तो फिर वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है, ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट यूज करोगे तो फिर सेकंड फॉर्म यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हमें यहाँ पर सही एक ऑप्शन चूज करना है। अब देखते ही हमें पता तो लग रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस है, इफ द टीचर्स डैश द एग्जाम द स्टूडेंट डैश टू द अथॉरिटीज। तो सबसे पहली बात तो यही कि डियर, एक तो सिंपल हमें ये पता कि यहाँ डज आएगा तो यहाँ शैल विल हो सकता है। ठीक है, यानी डिड के साथ डिड आएगा इधर, तो इधर से शैल विल नहीं आएगा भाई। फर्स्ट फॉर्म में तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो वहाँ शैल विल के साथ या मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म, हाँ, लेकिन वुड कुड यूज नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पास्ट होते हैं। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो वहाँ वुड कुड यूज होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पहले 2 ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, ये प्रेजेंट है यहाँ, ये फ्यूचर पास्ट हो गया, यहाँ पास्ट है तो यहाँ ये फ्यूचर हो गया, नहीं बनी बात। प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ रिलेशन है, यहाँ प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर अभी बताया भी था पहले भी, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, शैल या विल दोनों में से कोई भी हो सकता है।
तो डू नॉट कंडक्ट, विल कम एंड कंप्लेन, एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास। एक है विल नॉट कंडक्ट, अब ये भी बताया था कि विल यूज नहीं हो सकता यहाँ पर, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, तो ये आंसर हो जाएगा 72 का सी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, साथ के साथ क्वेश्चन करो, आंसर दो सभी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। सी डैश इन दैट कॉलेज डैश लास्ट अप्रैल, तो सी डैश इन दैट कॉलेज, ठीक है। अब वो यहाँ से पता लग रहा है लास्ट अप्रैल से वो कॉलेज में काम कर रही है, तो सिंस होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं, ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। और सी के साथ हैव यूज होता नहीं है, ये वैसे भी गलत था, तो ये हो जाएगा सी हैज़ बीन वर्किंग इन दैट कॉलेज सिंस लास्ट अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आप। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि सी जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो डज यूज होगा, डू यूज नहीं होगा। दूसरी बात ये कि डू डज के साथ हमेशा या डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बिना एसीएस के, ठीक है, बेस फॉर्म यूज होती है, तो डज आएगा तो यहाँ हैव आएगा। ये वाली गलती मत कर देना कि सी के साथ हैज लगाओ, भाई डज है यहाँ पर, तो सिंगुलर प्लूरल का जो एक्ट होना है वो हेल्पिंग वर्ब पे हो गया, मेन वर्ब अब हैव ही रहेगी, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा हमारा, डज सी हैव ए पैट डॉग, यस सी डज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर हमें पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस ऑर्डर। सेंटेंस ऑर्डर पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई थिंक एक क्लास स्पेशल नेक्स्ट वीक में या उससे अगले वीक में हम करेंगे सेंटेंस ऑर्डर पर, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक सेंटेंस ऑर्डर पे आ चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि द चिल्ड्रन होगा, सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्योंकि जो लास्ट नाइट है वो हम लास्ट में यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे फर्स्ट में गलत तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें और भी एरर है कि जो मैनर्स है वो एंड में लिया गया, मैनर्स एंड में नहीं आता है कभी, वो भी मिस्टेक है, पर इसलिए मैंने सी ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया। द चिल्ड्रन डांस एट द स्कूल, ठीक है, यहाँ सबसे पहले तो हमने यूज करना है, पहले तो मैं आपको बता दूँ ये एम पी और टी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, एम पी टी ये एक एडवर्ब में होता है, इनका ऑर्डर ये पढ़ाऊंगा मैं आपको ऑर्डर में, ठीक है। एम पी टी से है, एम से है मैनर, शॉर्ट फॉर्म बता दिया मैंने, ठीक है, मैनर, मैनर मतलब किसी काम करने का तरीका, पी से प्लेस होता है और टी से टाइम, और ये खाली ऑर्डर यहाँ पर काम नहीं आएगा, आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट जब करते हो तब भी ये चीज़ ध्यान रखना है एम पी टी का, ठीक है। ये तो सेंटेंस ऑर्डर है, ये तो सिंगल एक सेंटेंस है, इसको ऑर्डर में करना है, कई बार रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं ना, पी क्या और एस, 4 अलग अलग सेंटेंस है उनको आपस में, तो उसमें भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो द चिल्ड्रन डांस्ड ब्यूटिफुली, ओके, मैनर हो गया, एट द स्कूल क्या हो गया, प्लेस हो गया, और फिर टाइम हो गया ये, ठीक है, स्कूल एनुअल फंक्शन, एट द स्कूल एनुअल फंक्शन ये प्लेस हो गया, और लास्ट नाइट हो गया टाइम, तो एम पी टी का थोड़ा ध्यान रख लोगे तो पता होगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन होते बहुत आसान है, इंग्लिश है बहुत आसान, बस कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मेरे पास जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं या जितने भी, अब देखो पिछले 2 वीक में कितने स्टूडेंट कामयाब हुए हैं, ठीक है, भले अकेला एक सब्जेक्ट है लेकिन उस एक सब्जेक्ट के बलबूते पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में रहने वाला स्टूडेंट 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से ही रहता है, या 1 क्वेश्चन से रहता है, कई बार तो एज से भी रह जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन करना, और वो तभी कर पाओगे जब क्लैरिटी आपकी अच्छी होगी। 30 ईयर्स आफ्टर बींग अडॉप्टेड डैश एन ऑस्ट्रेलियन फैमिली, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ऑस्ट्रेलियन फैमिली ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो बाय यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय एन ऑस्ट्रेलियन फैमिली रेज्ड, और वो
बड़ा हुआ कहाँ? मेलबर्न में। मेलबर्न एक जगह का नाम है, बड़ा स्थान है, तो इन यूज हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बीइंग अडॉप्टेड बाय एन एस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन फैमिली एंड रेज इन मेलबोर्न, जोएल डी कार्टरेट हैज कम बैक टू हिज कंट्री वेयर ही वॉज बोर्न। क्वेश्चन नंबर 77। सबसे हमें यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है जो उसका सब्स्टिट्यूट हो सके। टेक ए शॉट इन द डार्क, इसका मतलब ये कि गोली चलाना कहाँ पर? डार्क में, अंधेरे में गोली चलाने के बराबर है। अंधेरे में गोली चलाने का मतलब होता है सीधा सीधा गैस करना। ठीक है, सीधा सीधा गैस, गैस का मतलब समझते हो ना, तुक्का मारना। अंधेरे में तीर चलाने के बराबरी तो है, टेक ए शॉट इन द डार्क, तो ठीक है, ए कंप्लीट गैस। ये तो बहुत सारे इंग्लिश में करते भी हैं, तो आज से ये चीज़ ध्यान रखें कि अब ना करें, अच्छे से चीज़ों को सीखें। फ्रेश रैप एल्युमिनियम फॉइल प्रिजर्व्स द टेस्ट एंड फ्लेवर्स ऑफ योर फूड, कीपिंग इट फ्रेश लॉन्ग आफ्टर यू हैव पैक्ड इट। चलिए, तो मैंने सीधा सा पढ़ दिया, बट यहाँ पर देखिए यूज़ करनी है प्रेपोजिशन। तो जो ये फ्रेश रैप एल्यूमिनियम फॉयल है, ये प्रिजर्व करता है किसको? टेस्ट और फ्लेवर्स को। किसका टेस्ट और फ्लेवर? फूड का। तो जो चीज़ों का आपस में रिलेशन दिखाना कि ये इसका है वो ये उसका है, तो का के की के अर्थ में जैसे हम यूज़ करते हैं कोई भी, जैसे मैं कहूँगी रामलाल का लड़का, तो वहाँ पर फिर द सन ऑफ रामला। इसी तरीके से हम ये कहें कि भोजन का जो फूड है उसका फ्लेवर्स, तो ये रिलेशन के लिए बता रहा हूँ, तो इस तरीके से ऑफ यूज़ करना है, ध्यान रखें। ठीक है, कोई चीज़ दो जो जिसकी है, जिसके ऊपर उसका अधिकार है, उसके लिए ऑफ यूज़ करना है। अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट जो एक्ट करता है, यहाँ पर बात हो रही है एक्ट करने की। ठीक है, तो रिलीजन के अगेंस्ट जो एक्ट करना है उसको क्या कहेंगे? यहाँ पर ये नहीं है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जो बिलीव नहीं करता, वो तो अदिष्ट होता है। यहाँ पर बात हो रही है एक्ट करने की। ठीक है, एक्ट जो होता है वो होता जाए बन जाएगा हेरेटिक। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का कि यह सेंटेंस को ठीक, एक तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में यही करते हैं कि वो सेंटेंस को ठीक से पढ़ते नहीं हैं। एक तो पढ़े सेंटेंस को सही। ठीक है, तो हेरेटिक जो होता है वो होता है विधर्मी। ठीक है, धर्म विरोधी कुछ भी एक्ट करने वाला। ठीक है, तो वो उसको हेरेटिक बोलते हैं। अधिष्ट होता है जो उसमें विश्वास नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं नास्तिक, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड और रिलीजन, जो रिलीजन या उसमें विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, हेरेटिक होता है विधर्मी, जो विरोधी हो धर्म का। आई एम ऑल डेस्ट ट्राइंग टू फाइंड वेज टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो आई एम ऑल, अब यहां पर देखो सिंपल सा है, अगर कर लोगे तो आई एम ऑल इन फेवर ऑफ ट्राइंग, तो मैं उन सब के फेवर में हूं जो फाइंड वेज टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर के लिए जो फेव करते हैं। ठीक है, उसके लिए, तो इन फेवर ऑफ ट्राइंग। ठीक है, इन बाकियों के मीनिंग ही नहीं बनेगा। डोंट बीट अबाउट द बस, जस्ट टेल मी द ट्रूथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है डोंट बीट अबाउट द बस, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि इसका मीनिंग हम यूज करते हैं सामान्यतः बक बक फालतू की चीजें। ठीक है, जो घुमा फिरा के बात करनी है उस तरीके से हम यूज करते हैं, यानी कि सीधे से मुद्दे पे नहीं आना। ठीक है, उसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो डोंट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, बीट अबाउट द बस मीन्स हो जाएगा स्टाल। स्टाल का मतलब भी टालना होता है। ठीक है, यानी कि तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि सीधा सच बताओ, टालो मत। ये डोंट है जो नेगेटिव बना रहा है स्टाल को। ठीक है, स्टाल का मतलब टालना, तो नहीं कह रहा टालो मत। तो डोंट बीट अबाउट, बीट अबाउट द बस का मतलब यहाँ पर यही मीनिंग है। ठीक है, गोल मोल करना, टालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाकी ऑप्शन देखोगे तो आपको पता लग जाए, बाकी ऑप्शन होंगे नहीं, तीन ऑप्शन रिजेक्ट कर दोगे तो चौथा ऑप्शन वैसे भी कर दोगे। शियोल इज अ प्लेस दैट वीर्स डैश यूटोपिया एंड डिस्टोपिया विद अलार्मिंग स्पीड
एंड स्लीप्स लेस देन इवन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो स्थान हैं यूटोपिया और इनके लिए बीच के लिए यूज करेंगे हम, तो हम दो चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन। ये भी आपको पता है कि एंड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो बिटवीन होती है, बिटवीन एंड, फ्रॉम के साथ टू यूज होता है, जो फ्रॉम है फ्रॉम के साथ टू यूज होता है, बिटवीन के साथ एंड यूज होता है। ऐसे भी इजीली आप इसको कर सकते थे। अमंग जो यूज होता है दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। कोरिया स्टोप गो चैम्पियन अ कॉम्प्लेक्स स्टेटिक्स बोर्ड गेम इज शोन एंडलेसली डैश मोनिटर्स इन द सियोल अंडरग्राउंड रेलवे। ठीक है, तो एक ये भी क्वेश्चन जो है हमारा प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे तो इसको भी आराम से कर देंगे। इट्स शोन एंडलेसली ऑन मोनिटर्स, मोनिटर्स आपको पता ही ना स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं, और स्क्रीन जितनी भी हैं टेलीविज़न ऑन, टेलीविज़न ऑन मोनिटर्स ऑन, रेडियो, ठीक है, खैर रेडियो की स्क्रीन नहीं होती बट फिर भी उसके लिए भी ऑन ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे ऑन मोबाइल, ऑन टेलीफोन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके लिए ऑन यूज़ करते हैं हम। डैश 14 आवर फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क आई लैंड इन सियोल एंड डिस्कवर खूबी जगह का नाम आया हुआ है शायद किसी फ्रेज में से या किसी पैराग्राफ में से, डायरेक्ट काफ़ी सारे सेंटेंसेस उठा रखे हैं वहीं से ही बना हुआ होगा, बार बार साउथ कोरिया सियोल वगैरह की जगह के नाम आ रहे हैं। आई लैंड इन सियोल एंड डिस्कवर दैट साउथ कोरिया इज इन स्टेट ऑफ शॉक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी प्रीपोजिशन क्वेश्चन है, तो आफ्टर अ 14 आवर फ्लाइट, न्यूयॉर्क से 14 घंटे की फ्लाइट के बाद, तो हम उसके मीनिंग में क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर के मीनिंग में हम यूज करेंगे। चलिए ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से। ट्राइंग टू रिमेन काम आई टुक सेवरल स्लो एंड मेथोडिकल ब्रीथ वाइल, एक तो ये बड़े सेंटेंसेस देख के डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें मिलेंगी। आई टुक यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए था, ब्रेक तो ब्रेक लगाना होता है, ठीक है, खैर यहाँ पर ब्रेक दूसरे वाली फॉर्म आएगी, ब्रोक वाली तोड़ना, ठीक है, उसने शांति तोड़ दिया कुछ ऐसे, तो वैसे भी ब्रेक लगाने के मीनिंग में भी यूज, तो सेकंड फॉर्म यूज होगी। दूसरा ब्रेक लगाने का एक चीज़ ये भी बता दूँ कि वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट आता नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेक तोड़ने वाला ब्रेक होगा, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी ब्रोक, तो ये तो गलत हो गया, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इट वॉज इनफ फॉर मी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ये भी गलत हो गया। ऑक्सीजन पास इंटू माई रेस्पायरेटरी सिस्टम लाइक इट वॉज ट्रेवलिंग, यहाँ पर लाइक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लाइक इट वॉज ट्रेवलिंग थ्रू अ टीनी प्लास्टिक स्ट्रो आई वॉक इन अ पैनिक एंड गैस्पिंग। अब यहाँ से देखो, वॉक इन अ पैनिक एंड गैस्पिंग फॉर अ डीप ब्रेथ बट द एयर दैट स्वील अराउंड माई बॉडी वॉज ह्यूमिड। यहाँ पर देखो सिंपल सा, वॉक सेकेंड फॉर्म है, यहाँ गैस्पिंग आई एन जी फॉर्म लगा दी जो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, आंसर सी बन गया, सी में कोई मिस्टेक नहीं है। देखो एक और फिर आ गया कोरिया, 50 ईयर्स एगो कोरिया वाज अमंग डैश पूरेस्ट। अब देखो पूरेस्ट कौन सी डिग्री होती है, पूरेस्ट कौन सी डिग्री है, सबको पता है कि पूरेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री है तो द यूज होगा, सेकेंड में फिर द ही आ जाएगा क्योंकि सिंपल है, द अर्थ के साथ भी द यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द यूज होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज मैंने फेसबुक पे भी डाला था ये क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत दिया था, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ध्यान से पढ़िए। द फ्रिक्वेंट ऑक्यूरेंस ऑफ, ये जो ऑफ है ना इसका ऑब्जेक्ट है ये रेन्स एंड फ्लड्स, ठीक है, ऑफ क्योंकि टोरेंटियल तो आपका एडजेक्टिव है, इसका नाउन तो यही है ना, इसके ऑब्जेक्ट तो रेंज है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ नहीं करोगे, वर्ब यूज़ करोगे इसके अकॉर्डिंग, और ये है सिंगुलर और ये सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करिए ना, मेक्स, तो आंसर जो बनेगा डी बनेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट फ्लड्स वगैरह देख, बस वो पास की चीज़ें देखता है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में स्पेशल एक क्लास पूरी की पूरी इसी कंसेप्ट पे है हमारी, ताकि एग्जाम में गलत कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे ना आया हो,
ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो आता ही आता है। द पुलिसमैन सेड टू द सस्पेक्ट वेयर वर यू एट दिस टाइम यस्टरडे। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच हमें करना है, तो द पुलिसमैन आस्क द सस्पेक्ट, सभी ऑप्शन में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद वेयर आ जाएगा, सही है, ठीक है, वेयर आ गया डब्ल्यू एच फॉर्म में, तो हमें ये पता है। इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है, ही वॉज एट दैट टाइम द प्रीवियस डे, ये हो जाएगा, ठीक है। यस्टरडे वाले तो वैसे भी गलत है, लेकिन ध्यान ये भी रखना कि इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव यूज़ नहीं करना, पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही यूज़ करना है, ये बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 89, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिएगा, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वर सबमिटेड ऑन टाइम। ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक तो यहाँ पर हैज है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये तो सीधा सा गलत हो गया। हमें यह पता है कि जब थर्ड फॉर्म है तो बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो बीन हमारे दो ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड में। अब डॉक्यूमेंट्स है प्लूरल, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैव। सी में हैज सही है, लेकिन ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसीलिए कहता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक क्लास मानता हूँ मैं उसको, इसीलिए सबसे पहले वही दो क्लासेस होती हैं, वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड वेनरेबल। वेनरेबल होता है डियर, आदरणीय, रिस्पेक्टेबल, ठीक है, तो इसका आंसर जो है सिनोनियम में बन जाएगा 90 का बी। क्लास को आपने बहुत अच्छे से देखा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मैं कहूँगा एंड में कि एक तो अपना कमेंट जरूर करके बताएं क्लास कैसी रही, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। क्लासेज रात को लगभग 9 बजे होती है, तो आप क्लास को ज़रूर देखें। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में फिर। ये सीरीज़ लगभग 3000 क्वेश्चन की होने वाली है, तो और जिन्होंने बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर लें। नंबर आपको मैं फिर बता देता हूँ, 9034141999। तो कंप्लीट ग्रामर है, कंप्लीट पीडीएफ वगैरह प्रैक्टिस सेट सब कुछ है, अच्छे से मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपका डर ख़त्म हो जाएगा इंग्लिश को लेके, आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ये मेरा भरोसा है, ये मुझे विश्वास है। तो चलिए, सभी को नमस्कार, जय हिंद।